आरएनए प्रोसेसिंग या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के छठवें लेक्चर में हम लोग पिछला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 5 उसमें देख रहे थे ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग। इस क्लास को करने से पहले एक बार तो उस लेक्चर को आपको रिवाइज करना चाहिए और अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग को ही हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं। क्या होता है कि ये डीएनए है, ठीक है, यहां से एक एमआरएनए बना, वो भी कैसा एमआरएनए, कच्चा एमआरएनए, प्री एमआरएनए, और उसमें ये सब जगह जो है वो इंट्रॉन्स का है, इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2, इंट्रॉन 3, बाकी सब एक्सॉन है। अब देखा गया ऐसा बहुत सारे रिसर्च में सेल अपने सुविधा अनुसार इसमें कटिंग छटिंग करता है, और कटिंग छटिंग करने से क्या होगा कि अलग अलग तरह का प्रोटीन बनेगा। जैसे कि अगर ये पूरा प्रोसेस हो जाए, फुल प्रोसेस, तो क्या होगा, ये एग्जॉन 1, एग्जॉन 2, एग्जॉन 3, एग्जॉन 4, ये सब आपस में जुड़ के एक नया बना लेगा। देखिए ये हो गया एग्जॉन 1, ये हो गया एग्जॉन 2, 3, 4, ये कंप्लीट है, इसमें सारे एग्जॉन फुल प्रोसेस। अब यहां से क्या कर रहा है, वो अपने पर्पस के लिए यूज करना चाह रहा है, इससे एक प्रोटीन बना, प्रोटीन ए, सब कुछ काम। अब इसने बोला कि हमको अगर ये दो एग्जॉन मिल जाए हम प्रोटीन बी बना सकते, रिजल्ट क्या किया इसने, अब यहां से ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग स्टार्ट की, और अब इसके पास सिर्फ दो ही जुड़ेगा, एग्जॉन 1, एग्जॉन 2, बाकी सब क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, बाकी इंट्रॉन 1, इंट्रॉन 2, एग्जॉन 3, इंट्रॉन 3, एग्जॉन 4, सब बाहर निकल जाएगा। या इसने कहा कि इससे एक प्रोटीन बनेगा, इसका नाम है प्रोटीन बी, अगर इस चाहे कि नहीं नहीं इसी में अगर हमको ये दो मिल जाए ना, ये 3 और 4 अगर मिल जाए, हम सी कर सकते हैं ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग। और अब क्या हो गया, बाकी सब हट गया, इसमें अब तीन ही सीक्वेंस है, कौन कौन सा, एग्जॉन 1, एग्जॉन 3, एग्जॉन 4, और इससे इसमें क्या बने, इससे यहाँ प्रोटीन बी है, यहाँ बना है प्रोटीन सी। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है सभी वो फंक्शनल एमआरएनए है, ये तो प्री आरएनए तो कच्चा आरएनए है ना, ये फंक्शनल एमआरएनए है, और ये सभी एमआरएनए क्या करा रहे हैं, आरएनए एमआरएनए आइसोफॉर्म्स, ये सभी एमआरएनए आइसोफॉर्म्स कहलाते हैं। ये है ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग। ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग में सबसे पहले क्या होता है कि इसमें सेविंग होता है, इसका रोल मतलब क्या इंपॉर्टेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंस तो पहला ये है कि जीन लोड डीएनए पर घटता है, जीन लोड ऑन द डीएनए इज मिनिमाइज्ड, ठीक है, एक ही जीन आगे जाके अलग अलग कॉम्बिनेशन में कटकर बहुत सारा प्रोटीन बनाता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि जो स्प्लाइस साइट पोजीशन है वो बदलता है, स्प्लाइस साइट पोजीशन चेंजेज इन द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एज पर नीड, जैसे जैसे बदलाव होता है। अब जैसे यहां देखो, यहां अभी इसमें चारों चाहिए, तो सब में स्प्लाइस साइट मिल जाएगा आपको, मैं इसको रेड कलर से डॉट कर, यहां पर स्प्लाइस साइट, यहां सब मिल गया,
लेकिन जब ये है इवन ई टू के लिए है, ठीक है, और इवन ई टू के लिए है, तो अब देखो इस प्लस सेट में क्या होता है, यहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा, बस ये तीन जगह स्प्लैट सेट मिला, और ये सबका एकदम एक ग्रुप में बाहर निकल जाएगा, ये एक ग्रुप में बाहर निकला बस। तो स्प्लैट सेट जो था वो क्या हो रहा है, वो बदल रहा है, ठीक है। जैसे हम एक कॉम्बिनेशन दिखा देते हैं, ठीक है, मैं छोटा सा पार्ट लेता हूं, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, छोटा सेक्टर पे रहते हैं, I1 है, I2। अभी हमको तीनों रखना है, स्प्लैट सेट कहाँ कहाँ मिलेगा, यहाँ 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 यहाँ, रिजल्ट क्या होगा, हमको E1, E2, E3 एक साथ मिलेगा। अब नहीं, हमको E1 और E3 रखना है, बस ये दो रखना है, बाकी सबको हटा देना। स्प्लैश सेट क्या होगा, देखो स्प्लैश सेट ये होगा, इवन रखना है तो यहां से कट गया, ई थ्री रखना है तो यहां से कट गया, बस ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का एरिया क्या होगा, कटकर अलग हो जाएगा। तो दो ही जगह स्प्लैश सेट, यहां स्प्लैश सेट नहीं, और इस तरीके से जो अंत में बचेगा वो कौन बचेगा, इवन ई थ्री। स्प्लैट साइड जो होता है उसका पोजीशन बदलेगा तो आपको अल्टरनेट स्प्लैशिंग करने में मदद मिलता है, और इसमें क्या होता है, एमआरएनए आइसोफॉर्म्स बनते हैं, बनते, एनर्जी एंड टाइम बचता है। गुड, ट्रांस स्प्लैशिंग, ट्रांस स्प्लैशिंग का मतलब ही है कि दो अलग अलग आरएनए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आरएनए के एग्जॉन्स को अगर हम जोड़ दें, हम डायग्राम से पहले समझा देते हैं फिर इसका डेफिनेशन कर लेंगे, है ना, तो डायग्राम से ही समझा देते हैं सबसे पहले, आराम से वहीं से समझ लें, इमेज देखकर देख लें, समझ लें। आइए देखिए, थोड़ा गौर करिएगा, ये एक हाँ, इसमें हम अभी हम सामान ले रहे हैं एग्जॉन वन इंट्रॉन वन, ठीक है, देखना इसमें देखिए, ये एग्जॉन ए इंट्रॉन ए, हम उनके जगह ए रख दिया। अब ये जो दोनों है ना, दोनों अलग अलग जीव का है, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल में हम एग्जांपल के साथ ही पढ़ाते हैं, ये है एस एल आर एन ए सी इलिगेंस, ये निमेटोडा है उसका, हाँ, और ये है एमआरएनए ऑफ ट्रिपैनोसोमा, ये एक फंगस है, मोल्ड है, और ये एक नेमेटोड है, दोनों अलग अलग चीज है, ये एसएलआरएनए और ये दोनों क्या है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ये भी क्या है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। अब देखो क्या होता है, इस तरह से इसको काम हुआ, ये इसका स्प्लैश सेट है, ये इसका स्प्लैश सेट है, ये दोनों कट के निकल गया और ये दोनों आपस में जुड़ गया, मतलब ये ऐसा हो जाए कि आई वन एंड आई ए दोनों कट के बाहर। और अब देखिए E1 एंड EA,
ये दोनों एग्जॉन है, ई वन एंड ई ए, ये दोनों मिलकर एक फंक्शनल एमआरएनए बन गया और इससे कोई एक प्रोटीन बनने लगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांस स्प्लाइसिंग। ग्रुप वन और ग्रुप टू इन ट्रांस में जो ब्रांच साइट होता है उसका डिफरेंस यहां लिखा हुआ है। ग्रुप वन में गुआनोसाइन 3-OH, ग्रुप टू में एडनोसाइन 2-OH होता है। अभी जो हम लोग ग्रुप टू पढ़ रहे हैं उस ग्रुप टू में जो ब्रांच साइट होगा वो 2-OH होगा। कभी भी ब्रांच साइट कोई भी अभी तक A-3OH और G-2OH अब तक रिपोर्ट नहीं किया गया, तो पहली बात ये है। ये भी रेयर है, बहुत नहीं के बराबर होता है। अगर होगा भी तो किसमें होगा? प्रोकैरियोट्स में। माइटोकॉन्ड्रिया में रिपोर्टेड है और क्लोरोप्लास्ट में रिपोर्टेड है। इस प्रकार से यह स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म ग्रुप टू इंट्रॉन्स में देखा जाता है। अब जैसे कि कहानी है उसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं, प्रोसेस में आते हैं। ये जो है यह एक एमआरएनए है और इस एमआरएनए में ये जो हिस्सा है यह हिस्सा इंट्रॉन का हिस्सा है, यह हिस्सा इंट्रॉन है। अब इस हिस्सा में स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा और वो जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है देखना, ये होता है CAA। इसमें बीच वाला ए क्या है उसको मैंने बहुत उठा दिया है और ये हो गया है बीच वाला ए का OH। ये है 5- स्प्लाइस साइट, ये है 3- स्प्लाइस साइट। 5- स्प्लाइस साइट में U G और यहां पर U, इसके बाहर में क्या हमने लिख दिया U। अब क्लियर कट है भाई, यहां स्प्लाइस साइट है, ये रेड कर दिया मैंने, एक ये रेड कर दिया। इसे हम लोग क्या कह रहे हैं? 5- स्प्लाइस साइट या डोनर साइट। इसे हम लोग कह रहे हैं 3- स्प्लाइस साइट या एक्सेप्टर साइट। अब कांड ये हुआ कि इसको कैसे पूरा प्रोसेस होता है, ये थोड़ा सा लूप की तरह बनता है। जस्ट सीधा थी लाइक दिस वन, देखिए देखो तो तीरे पर चढ़ गया था। अभी ठीक, हाँ ठीक है। और ये हो गया इसका इंट्रॉन का हिस्सा। अब आप लंबाई जोड़ा मत जोड़ेगा सर, उधर तो आप कम ही लंबा है, इधर ज्यादा कर दिए, वो सब जोड़ने की जरूरत नहीं। सी ए ए, इसमें बीच वाला जो है इसका 3-OH, यहां पर है यू, यहां पर है जी, इसने यहां पर अटैक कर दिया। ठीक है, यहां यू है, अब यहां अटैक किया तो यहां से क्या होगा? ये कट जाएगा, कटने का साइट साइट है, ये स्प्लाइस साइट है तो कटेगा। अब कटेगा तो ये कैसे दिखेगा? लैरियट के स्ट्रक्चर में, जस्ट सी द स्ट्रक्चर। और ये हो गया
ऐसे। ठीक है, और ये हो गया यहां पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस। ये जी कट के ऊपर गया तो यू यहां रह गया, यू ओ एच, करेक्ट। यहां पर भी है यू, ये जो ओ एच है इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन यहां पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद क्या होगा, ये दोनों एग्जॉन जो है वो आपस में जुड़ गया। जुड़ने पर इनका सीक्वेंस कैसा दिखा, यू यू। अब पी यू लिखेंगे उसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 5-3 सेकंड को लिखने का तरीका है, इस समय नहीं लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड। और ये जो बीच वाला जो आप रिंग देख रहे हैं लैरियट, वो क्या हो गया, कटकर हट गया, ये जो है ना पूरा एकदम ऐसे हट गया। ठीक है, चेंज ना हो स्ट्रक्चर, इसलिए हम ऐसे इसको बनाते हैं, हट गया। ठीक है, ये जो आप देखिए, दिस इज कॉल्ड लैरियट, और इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो कैसे थे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ये यहां से कटा, ये कटा तो जी है, ये तो जी आ गया। ठीक है, और ये जो ए है, गौर करो, ये जो ए है छोटा वाला, उससे ये जुड़ा हुआ था, वो ए आ गया और ये हो गया ए। इस तरीके से ये सीक्वेंस अरेंज रहता है, यू ए, कट के बाहर निकल गया। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप टू इंट्रॉन्स। ग्रुप टू इंट्रॉन्स और ग्रुप वन इंट्रॉन्स में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहला डिफरेंस जो होता है, एकदम गौर करिएगा सब लोग, होता है स्प्लाइस साइट, 5' स्प्लाइस साइट, बहुत गहरा रंग हो गया, 5' स्प्लाइस साइट, 3' स्प्लाइस साइट और ब्रांच पॉइंट्स है। ये तीन जो है वो डिफरेंस जो है वह पैदा कर देता है ग्रुप वन और ग्रुप टू इंट्रॉन्स में। अर्थात जब भी हम इन दोनों को बना रहे हैं तो हमें क्लियर कट दोनों में डिफरेंस स्टडी करना चाहिए। देखिए, ये हो गया यू जी ए 2-OH, ये हो गया यू, ये हो गया ग्रुप टू। और ग्रुप वन को जब हम लोग पढ़ते हैं तो ग्रुप वन में भी उसका भी डायग्राम बना दे भाई, हमें क्या, ठीक है, ये ग्रुप वन होने जा रहा है, इसका भी अपना सीक्वेंस है भाई, इसका सीक्वेंस क्या है, तो इसका सीक्वेंस है यहां पर गुआनोसाइन 3-OH, पहला ये हो गया। दूसरा सीक्वेंस है इसका, जो अंदर में सीक्वेंस का हम लोग स्टडी करते हैं, वो है जी यू, और बाहर में यहां पर क्या है, ए जी, जी यू सीक्वेंस, और यहां पर होता है ए जी सीक्वेंस, और यहां फिर होता है यू, एक और पॉइंट साइट। ये जो है ग्रुप टू इंट्रॉन्स, और ये जो है वो ग्रुप वन इंट्रॉन। तो हमेशा इन सब चीजों को दिमाग में बिठाकर चलना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर ये हम इस तरह से बारीकी से इसको देखते हैं तो हमें कंपेरेटिव स्टडी करने में भी आसानी होती है।